हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हैं SY ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे आप फोन पे ऐप के वैलेट बैलेंस को अपनी बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन पे ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने माई अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करिए और इसके बाद आपको वैलेट बैलेंस में आपका जो भी बैलेंस है वो दिख जाएगा। तो वैलेट बैलेंस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक टॉपअप का, एक विथड्रॉवल का। अब आपको विथड्रॉवल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वैलेट का ऑप्शन बन जाएगा, जहाँ पे एक तीर जैसा बन के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको आपको पकड़ के नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे जो आपका बैंक होगा उसका लोगो बना होगा उस पर लग के छोड़ देना है आपको। तो आपका जो भी फ़ोन पे ऐप के वैलेट में पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे केस में ऐसा नहीं है। जब मैं यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा है नो वैलेट बैलेंस टू विथड्रॉ। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपके वैलेट बैलेंस में कोई ऐसा पैसा नहीं जिसे आप विथड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नॉन विथड्रॉएबल बैलेंस 16.90 रुपीज़। जो मेरे वैलेट में बैलेंस है वो है नॉन विथड्रॉएबल। अब ऐसा क्यों है इसको जानने के लिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर हो रहा है कि आपके वैलेट में बैलेंस है और वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ये जानने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको आपके सवालों के जवाब दिख जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है पहला कि व्हाट इज़ नॉन विथड्रॉएबल वैलेट बैलेंस, क्योंकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो वो है नॉन विथड्रॉएबल वैलेट बैलेंस। तो ये क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन विथड्रॉएबल बैलेंस इज़ योर फोन पे गिफ्ट वाउचर बैलेंस कैशबैक दैट यू रिसीव। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा ये है कि आपको अगर कोई वैलेट बैलेंस में कोई कैशबैक मिलता है या फिर कोई गिफ्ट वाउचर आपको मिलता है तो वो पैसा आप अपने जो भी अपने बैंक लिंक किया हुआ है फ़ोन पे से उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट इस बैलेंस का आप यूज़ कर सकते हैं रिचार्ज करने में, बिल पेमेंट करने में या फिर शॉपिंग करने में। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जम्बोग, इन सारी वेबसाइटों पे आप शॉपिंग करने के दौरान इस वैलेट बैलेंस का यूज कर सकते हैं। अब कौन सा पैसा हम अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके बारे में भी नीचे तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। वो पैसा जो अपने टॉपअप में ऐड करते हैं अपने बैंक अकाउंट से। टॉपअप में ऐड करने से मेरा मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे टॉपअप का ऑप्शन दिया और यहाँ पे जो भी आप पैसा अपने फ़ोन पे वैलेट में ऐड करते हैं अपने बैंक अकाउंट से उस पैसे को अगर आप चाहें तो दोबारा से अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है रीज़न और कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया। अगर नॉन विथड्रॉएबल है तो वो क्यों है, और क्योंकि वो आपको कैशबैक या गिफ्ट वाउचर मिला हुआ है। और कौन सा पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो पैसा जो आप अपने टॉपअप को रिचार्ज करने के लिए, यानी कि यहाँ पे अपने फ़ोन पे वैलेट में अगर अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा ऐड किए हैं और दोबारा आप चाहते हैं उसे सेंड करना तो आप उसे सेंड कर सकते हैं, ना कि कोई कैशबैक को। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पैसा आपको भेजना है, कैसे भेजना है अपने बैंक अकाउंट में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।